अक्सर हमें किचन को ऑर्गेनाइज करने में परेशानी आती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम थोड़ा सा ट्रिक लगा के और कुछ हेल्पर्स को यूज़ करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज का वीडियो होगा ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर किचन। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। सबसे पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये हैंगर जिसमें बहुत सारे क्लॉथ पिन लगे हुए हैं। अक्सर ये होता है कि किचन में जब हम किचन टॉवल्स को वॉश करते हैं तो उसको ड्राई करने के लिए या हैंग करने के लिए हमें स्पेस नहीं मिलता। तो मैं इसे यूटिलाइज़ करती हूँ अपने किचन में। जब भी मैं अपने किचन टॉवल्स को वॉश करती हूँ तो इसे यहाँ पे हैंग कर देती हूँ। ना सिर्फ किचन टॉवल, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं किचन में जिसे वॉश करके सुखाना बहुत कठिन हो जाता है, जैसे कि फ्रिज बैग्स या कोई भी प्लास्टिक या कोई जिप पाउचेस। इस तरह की चीज़ें इस हैंगर में हम इजीली ड्राई कर सकते हैं। इसे आप ले सकते हैं फ्लिपकार्ट से बहुत ही कम रेट में, जस्ट फॉर ₹274। तो सॉक्स को ड्राई करने के लिए इसे यूज़ करने के बदले मुझे इसे किचन में यूज़ करना ज़्यादा यूजफुल लगता है। एक और डिफ़िकल्टी हमें फेस करनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो है ये नॉनस्टिक पैन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र यूज़ करने के बाद भी देखिए इस कैबिनेट में बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहा। अगर मैं अपने पैन्स को इस तरह ड्रॉर में ऑर्गेनाइज करती हूँ तभी ये पूरा ड्रॉर का स्पेस ले लेता है। तो अब हम करें क्या? तो सबसे अच्छा आइडिया तो यही है कि हम इसे हैंग कर दें, लेकिन ये इतने हैवी होते हैं कि ईजिली हम इसे कोई भी सिंपल एडेसिव में नहीं हैंग कर सकते। तो मैंने लिया है ये ऑर्गेनाइज़र। ये बहुत ही सिंपल सा ऑर्गेनाइज़र है और आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी सारे हुक्स लगे हुए हैं। अगर हमें अपने पैंस को हैंग करना है तो इसे हम एडेसिव हुक्स में नहीं हैंग कर सकते। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने विंडो ग्रिल को यूज़ करें। अब इसे हम कैसे लगाएं, क्योंकि इसमें हैंग करने के लिए कुछ ऑप्शंस नहीं दिया है। तो इसे हैंग करने का मेरे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि मैं इसे जिप टाइज से लॉक कर दूं। जिप टाइज जो है वो बहुत ही मजबूती से कोई भी चीज़ को पकड़ लेता है और देखिए आप इसे कितना भी प्रेस करो ये गिरेगा नहीं। अब मैं इजीली इसमें अपने सारे पैंस एंड पॉट्स को हैंग कर सकती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि फ्लिपकार्ट एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको 10 लाख से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बहुत ही कम रेट में मिल जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए मैंने जो छोटी वाली चटाई होती है उसे मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया है। इस तरह से अगर आपने पैन और पॉट्स को हैंग कर दिया तो यू विल गेट लॉट्स ऑफ स्पेस इन योर कैबिनेट्स एंड ड्रॉर्स। अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो वहाँ आपको वाइड सेलेक्शन विद अ ग्रेट क्वालिटी एंड जेन्युइन ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। तो इतना यूजफुल ऑर्गेनाइजर तो लेना बनता ही है, जो आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट में जस्ट फॉर ₹226। नेक्स्ट जो चीज़ है जो हमारे बहुत सारा स्पेस ले लेती है वो हमारे हैं टिश्यू रोल्स। अब इसे कैसे ऑर्गेनाइज करें? एक तो ये साइज़ में भी बड़े होते हैं और अगर हम इसे इधर उधर भी रख देंगे तो इसे एक्सेस करना और इसे यूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो एक हेल्पर मैंने बाई किया है अपने सारे टिश्यू रोल को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये है वो ऑर्गेनाइज़र और ये सेल्फ एडेसिव के साथ आता है। तो इसे आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं, अपने फ्रिज में हैंग कर दीजिए या अपने माइक्रोवेव के साइड में हैंग कर दीजिए। मैं इसे लगाऊंगी अपने वॉल में। इस मैजिकल स्टिकर को मैंने लगा दिया है वॉल में। अब बारी है लगाने की ऑर्गेनाइज़र। ये ऑर्गेनाइज़र वॉल से या आप जहाँ कहीं भी लगाएंगे उसके बिल्कुल भी टच नहीं करेगा, तो आप टिश्यू रोल को आसानी से इसमें हैंग कर सकते हैं और इसे यूज़ करना काफ़ी ईजी हो गया। इसी तरह आप सारे रोल्स, इसमें आप टॉवल हैंग कर सकते हैं, इसमें आप अपने सारे कप्स को हैंग कर सकते हैं, इवन यू कैन हैंग योर कटलरीज। और मैं तो इसे अपनी वार्डरोब में भी यूज़ करती हूँ, उसमें मैं हैंग करती हूँ कुछ हेयर एक्सेसरीज और स्कार्फ्स और इवन नेकलेस भी हैंग हो जाएंगे बिना टेंगल हुए। तो देखा आपने, है ना बहुत यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र। आप ले सकते हैं इसे फ्लिपकार्ट से जस्ट फॉर ₹180। अगर आप भी मेरी तरह गार्डनिंग के शौकीन हैं तो आपके घर में भी ऐसा प्लांट होगा जिनकी बेलें इधर उधर गिरती हैं और आप उसको सपोर्ट देने के लिए कोई भी लकड़ी या रॉड को यूज़ कर लेते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं देता और हमारे गार्डन की जो ब्यूटी है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। तो उसके बदले हम ले सकते हैं इस तरह के मेटल के सपोर्टर।
इसे कुछ नहीं करना है, बस मट्टी में हमें इस तरह से इसे लगा देना है। अब इसमें जितने भी कर्व बने हुए हैं सारी टहनियों को इसके सपोर्ट के सहारे इसे लगा दीजिए। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको रस्सी से बांधने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इस प्लांट का तो लुक ही चेंज हो गया, और फ्लिपकार्ट से आप ले सकते हैं इसे 281 में। फ्लिपकार्ट से आपको मिलेगा इजी एक्सचेंज, रिटर्न्स, रिफंड्स एंड फास्ट डिलीवरीज। एक और डिफ़िकल्टी हम फेस करते हैं वो है मॉप स्टिक और वाइपर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो इसका सबसे बेस्ट वे तो यही है कि हम इस तरह के हुक्स को यूज़ करें। इफ़ यू वॉन्ट टू डू होम इम्प्रूवमेंट एंड DIYs, देन फ्लिपकार्ट गिव होम इम्प्रूवमेंट रेंज फॉर DIYs एंड दे आर फ्लिपकार्ट एश्योर्ड एंड प्रोडक्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ₹149। रीडिफाइन योर क्रिएटिव कॉर्नर। अब देखिए बहुत इजी हो जाएगा आपको अपने सारे मॉप स्टिक और वाइपर्स को हैंग करना। इसे आप फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं 239 में, आपको 3 हुक्स मिलेंगे। इस तरह के हुक्स भी आते हैं जिसके दोनों तरफ भी आपको ऑप्शन मिलेगा छोटे छोटे वाइपर्स को हैंग करने के लिए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चनिंग की थी गन ग्लू के बारे में, तो चलिए आज बात करते हैं थोड़ी सी गन ग्लू के बारे में। तो ये है गन ग्लू। ग्लू गन के साथ आपको एक प्लग भी मिलेगा, और साथ में आपको लेना होगा इस तरह की ग्लू स्टिक। अगर ग्लू स्टिक ख़त्म भी हो जाती है तो स्टेशनरी शॉप से आपको ईजिली ये स्टिक्स मिल जाएगी, या तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। और ग्लू स्टिक को हमें इस तरह से ग्लू गन के अंदर डालना होता है। इसमें एक स्टैंड दिया होता है, जब आप इसे प्लग से लगाएंगे तो इसे इस तरह से स्टैंड में लगा सकते हैं। इसे हम प्लग इन करते हैं और इसमें एक स्विच दिया होता है, उसे ऑन करना होता है। इसे 3 to 4 मिनट्स लगेंगे इसके जो स्टिक के अंदर का ग्लू है उसे पिघलने के लिए। चलिए इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ऐसे ही। 3 to 4 मिनट्स में देखिए इसके अंदर का जो ग्लू है वो पिघलना शुरू हो चुका है। अब ग्लू को निकालने के लिए बीच में एक बटन दिया होता है, इसे हमें प्रेस करना होता है ताकि इजीली स्टिक से ग्लू निकल पाए। ग्लू गन काफ़ी यूज़फुल होता है अगर आप DIY के शौकीन हैं। अगर DIY आप नहीं भी करते हैं, आप अपने होम इम्प्रूवमेंट के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये कप देखिए मेरा टूट गया था, अब हम इसे स्टिक कर सकते हैं ग्लू गन की हेल्प से। अब देखोगे कि ग्लू गन दूसरे ग्लू के हिसाब से बहुत फास्ट काम करता है, और देखिए मेरा हैंडल कप के साथ जुड़ चुका। ये आपको ग्लू स्टिक्स के साथ मिलेगा फ्लिपकार्ट में 219 में। आज जितने भी प्रोडक्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं वो सारे मैंने बहुत ही कम रेट में बाय किया है फ्लिपकार्ट से, तो सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जस्ट कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।